फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम एक और बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है अगर हम इस स्टॉक को पर मंथ SIP मोड में बाय करें। हम पर मंथ कुछ भी अमाउंट जो है थोड़ा बहुत अमाउंट सेविंग कर सकते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये अगर इस स्टॉक में अगर SIP करते हैं हम, तो ये कंपनी जो है हमें लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ को और बढ़ाएगी और रेगुलर बेसिस पर ईयर ये कंपनी जो है हमें अच्छा रिटर्न भी देती रहेगी और डिविडेंड भी देती रहेगी, जिसको हम पैसिव इनकम के रूप में ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन की कंपनी करती क्या है। कंपनी के नाम में ही इसका बिजनेस है, देखिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, यानी कि गैस से रिलेटेड वर्क करती है। ये मेनली 3 फील्ड में काम करती है, एक पाइप्ड नेचुरल गैस PNG बोला जाता है जिसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG बोला जाता है, और कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। अब थोड़ा PNG CNG के बारे में हम जान लेते हैं। तो PNG के बारे में जाने तो देखिए, PNG इज मेनली मिथेन CH4 विद अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर हायर हाइड्रोकार्बन्स। द रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन इज लिस्ट इन मिथेन एंड हेंस इट बर्न्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मेकिंग इट इज द क्लीनेस्ट फ्यूल जो है बनाती है। इट इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द ऑयल गैस वेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन अक्रॉस कंट्री। पाइपलाइन के थ्रू क्या है, ये सप्लाई करती है। दूसरा जानते हैं CNG भी वही है, मिथेन ही है अपना। CNG देखिए, CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज अ गैसियस फ्यूल एंड इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मेनली मिथेन, जिसको CH4 बोला जाता है। तो मिथेन को भी ये सप्लाई करती है, CNG हो गया। उसके अलावा इंडस्ट्रियल फील्ड में भी काम करती है ये, और देखिए कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, नेचुरल गैस इज वर्सेटाइल फ्यूल विच इज गेनिंग इमेंस पॉपुलरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूजेस। अंडर द कॉमर्शियल सेक्टर ऑल लीडिंग होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, हॉस्पिटल इन द NCT ऑफ दिल्ली आर बींग सप्लाइड PNG बाय IGL। तो देख लीजिए, दिल्ली में IGL जो है ये चीज़ें सप्लाई करती है। तो गैस से रिलेटेड सारी चीज़ें होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो बिजनेस कंपनी का अच्छा है और आने वाले टाइम में भी कंपनी का बिजनेस जो है ग्रो अच्छा करने वाला है। अब हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग कंपनी है ये। तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने देख ही लिया। IGL इज इन द बिजनेस ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटली ऑपरेटिंग इन दिल्ली इंक्लूडिंग एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम एंड रेवाड़ी। ये गुरुग्राम जो है गुड़गांव है, जिसका अभी नाम चेंज हो गया है। अब देखते हैं इसका मार्केट कैप, देखिए आप 21,452 करोड़ का है। करंट प्राइस 306 रुपये पर चल रही है। 52 वीक हाई बनाया 320 रुपये और 52 वीक लो बनाया 215 रुपये का। डिविडेंड यील्ड है 0.13% का। फेस वैल्यू 2 की कंपनी है। डेप्ट कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, वर्चुअली डेप्ट फ्री है। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 45%। एक भी शेयर कंपनी का गिरवी नहीं है। रिजर्व देखिए 3,373 करोड़ का है। तो यहाँ तक तो फंडामेंटल्स पैरामीटर जो है इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, क्वार्टर वाइज कैसा परफॉर्म कर रहा है। सेल्स देखिए, सितंबर 2018 से दिसंबर 2018 को कंपेयर करें तो सेल्स देखिए 1,422 करोड़ से 1,508 करोड़ का हो चुका है, और दिसंबर क्वार्टर 2017 से कंपेयर करें तो 1,170 करोड़ से 1,508 करोड़ का हो चुका है। तो सेल्स बहुत अच्छी रेट से बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 308 करोड़ से 318 करोड़ का हो चुका है दिसंबर 2018 में। 17 क्वार्टर से क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो देखिए 263 करोड़ से 318 करोड़। तो कंपनी जो है लगातार अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। ये देखिए 263 करोड़, 291 करोड़, 295 करोड़, 308 करोड़, 318 करोड़। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 21% का है, और नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का 187 करोड़ से 198 करोड़ का हो चुका है। आप इसका नेट प्रॉफिट देखिए, आप 108 करोड़, 148 करोड़, फिर कम हुआ इसका 144 करोड़ क्वार्टर वाइज, फिर देखिए 145 करोड़, 134 करोड़, 161 करोड़। यहाँ से देखिए 161 करोड़, 169, 166, 175, यानी किसी क्वार्टर में अगर कम प्रॉफिट भी होता है तो नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि ये बिजनेस जो है एवरग्रीन है और आने वाले टाइम में भी इस कंपनी के बिजनेस की जो है डिमांड
वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो इस कंपनी के ग्रोथ होने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो क्वार्टर वाइज इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले 4 क्वार्टर से देखें तो 175 करोड़, 176 करोड़, 187 करोड़, 198 करोड़, लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज। सेल्स देखिए टीटीएम से कंपेयर करें तो 4592 करोड़ से 5450 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1113 करोड़ से 1212 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% का है। और अर्निंग पर शेयर देखिए आप, वो भी बढ़ चुकी है, 44.91 हो चुका है। और नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी का 671 करोड़ से 736 करोड़ का हो चुका है। अब देखते हैं डिविडेंड पे आउट भी कंसिस्टेंटली पे आउट करती हुई आ रही है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए आप 10 साल का 20.59% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 13.91% का है। आरओई देखिए 22.56 यानी कि 22.56% से पैसा जो है इसने कंपाउंड किया है। और लास्ट ईयर भी इसने देखिए 19.99, तो ऑलमोस्ट कंपनी जो है 20% की रेट से पैसा कंपाउंड कर रही है। और 20% की रेट से कंपाउंड करना बहुत बड़ी बात है, आपको किसी भी एफडी में ये रिटर्न नहीं मिल सकता। और कंपनी सेफ भी है क्योंकि बिजनेस शानदार है, लगातार परफॉर्म अच्छा करने वाली है। बैलेंस शीट देखिए कंपनी का, रिजर्व देखिए 3373 करोड़ से 3567 करोड़ का हो चुका है। टोटल असेट्स जो कंपनी का है 5567 करोड़ का है। कैश फ्लो देखिए कंपनी का पॉजिटिव है। अब देख लेते हैं कंपनी का चार्ट के कितना अच्छा परफॉर्म किया है। मैक्सिमम पर लगाकर देखें तो कंपनी जो है 15 जुलाई 2005 में, इस तरीके से देखें 2005 में देखें तो 21 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करती थी, और अभी कितने 306 रुपए पर जो है अभी करंटली चल रही है। और जो हाई कितना बनाया है 320 रुपए का। तो कंपनी जो है लगातार ही अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का फंडामेंटली जो है कंपनी बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी में हम अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी मोड में। 10 शेयर जो है 10 शेयर हम पर मंथ बाय कर सकते हैं। 10 शेयर बाय करने के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं लगेगा आपको, 306 है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करें तो 3000 या 3500 रुपए के आसपास, जैसे रेट भी बढ़ेगी इस कंपनी की और जिस टाइम इसमें गिरावट भी आएगी तब भी आपको इसमें एसआईपी चालू रखनी है, उस समय आपको ज्यादा शेयर मिल जाएंगे उसी अमाउंट में। तो क्या होगा, आपकी जो एवरेज प्राइस होगी वो बहुत अच्छे रेट पर आ जाएगी और लॉन्ग टर्म में जो है बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। ये सेम म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, आप जैसे सिप करते हैं ना उस तरीके से। जब आपके म्यूचुअल फंड का रेट ज्यादा होगा, जब आपको क्या होता है यूनिट कम मिलती है, और जब म्यूचुअल फंड का यूनिट का रेट कम होता है उस समय उसी अमाउंट में आपको ज्यादा यूनिट मिलती है। तो इस तरीके से क्या होता है एवरेजिंग होती रहती है म्यूचुअल फंड में भी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्टॉक में भी हम एसआईपी करेंगे ताकि हमारा रिस्क मिनिमम हो और रिटर्न ज्यादा मिल सके। अब जानते हैं इसके पास्ट रिटर्न्स कैसे दिए हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड। तो देखिए 1 वीक में 0.72% अप है, 1 मंथ में 2.40% अप है, ईयर टिल डेट में भी 14.80% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 5.78%, 3 ईयर में देखिए 173%, 5 ईयर में 428%, और 10 साल में दिया है 1321% का रिटर्न। तो कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है और ये इससे ज्यादा भी रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है ना वो एवरग्रीन बिजनेस है और इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा रहने वाली है। स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पीई से जरूर ज्यादा है, लेकिन बिजनेस को देखते हुए ये पीई अभी भी सही वैल्यूएशन पर हमें मिल रहा है। अब देखें क्वालिटी देखें तो गुड क्वालिटी की कंपनी है। वैल्यूएशन देखें तो एक्सपेंसिव है इसकी फेयर वैल्यू जो है 104 से 129 रुपए के बीच में, जो कि कभी नहीं आने वाली है। वेरी एक्सपेंसिव देखिए अबर 175, तो 175 रुपए पर तो ये स्टॉक जो है बहुत ही रेयर केस है, बिल्कुल नहीं आने वाला है इस पे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एसआईपी मोड में बाय कर रहे हैं ताकि जो है हमारा पर मंथ जो है कुछ अमाउंट इन्वेस्टेड होता रहे और ईयर वाइज हमें जो है 15 से 20% का रिटर्न जो है हर साल इस कंपनी से मिलता रहे। फाइनेंशियल ट्रेंड देखें कंपनी का तो पॉजिटिव है। और उसके अलावा हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% है, एफआईज की होल्डिंग 19.93% है, नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है
11.36%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 9.14%, इंश्योरेंस की है 8.39%, अदर डीआईज की है 6.18% की। एक भी शेयर कंपनी का गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसमें पैसा लगा कर रखा है। एफआईज का देखें तो 244 एफआईज ने पैसा लगा कर रखा है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग गेल इंडिया भी बहुत अच्छी कंपनी है, उन्होंने जो है स्टॉक बना रखा है 22.5% का। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको आप LIC 5.8%। जो LIC हमें जो है कुछ पॉलिसीज प्रोवाइड करती है, उसके लिए हम पर मंथ कुछ अमाउंट पे करते हैं। LIC ने भी इस स्टॉक में पैसा लगा कर रखा है, तो देख लीजिए आप, ये कंपनी जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाली है। और उसके अलावा देखें पिछले क्वार्टर से तो FIs ने -1.21% की होल्डिंग घटाई है, लेकिन यहाँ देखिए आप म्यूचुअल फंड ने 1.32% होल्डिंग बढ़ाई है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी बढ़ाई है। तो कंपनी जो है लगातार अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है, बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो होने वाला है। तो आप इस कंपनी में SIP मोड में बाय कीजिए, 10 शेयर जो है पर मंथ इस कंपनी के बाय कीजिए, आपका रिस्क मिनिमम हो जाएगा, वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट करके देने वाली है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।